हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नए अमेजिंग फीचर के बारे में जो कि हमने लॉन्च किया है GBPGM ऐप में। जी हाँ, इस फीचर का नाम है जियो ग्रिड चेकर और इसमें आप अपने प्रोफाइल की पोजीशनिंग ग्रिड यानी जो कि मैप होता है गूगल का, उस पर एक ग्रिड प्रिपेयर की जाती है। उसमें अलग अलग लोकेशंस पे आप देख सकते हैं कि आपकी क्या पोजीशन है, आपके कंपटीटर्स की क्या पोजीशन है और भी बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर हैं जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं इस फीचर के बारे में, जो कि फ्री वर्जन में भी आप चेक कर सकते हैं और प्रीमियम वर्जन में इसके एडवांस्ड फीचर्स भी हैं। तो गाइज, ये है हमारा प्रोफाइल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ग्रोथ मैनेजर, जैसा आप लोग ऑलरेडी जानते हैं GBP ग्रोथ मैनेजर। और आप अगर फ्री वर्जन में भी हैं, स्टार्टिंग हम उसी से करेंगे, फिर प्रीमियम फीचर्स को भी देखेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बटन है चेक बिजनेस विजिबिलिटी। तो सिंपल है, जियो ग्रिड को यूज़ करने के लिए आपको अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल इसमें ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप किसी भी प्रोफाइल का, अपने किसी और के का भी, इसको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करते ही आपको इस बटन पर क्लिक करना है, चेक बिजनेस विजिबिलिटी। इस तरह का कुछ ये स्क्रीन यहाँ पे अपीयर हो जाएगा गाइस, और इसके अंदर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ऐड न्यू पे क्लिक करना है, जिसमें आपको एक बिजनेस देना होगा। जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ इन्फोटॉक्स, यहाँ आप किलोमीटर चेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रिड चेंज कर सकते हैं, बट ये ग्रिड के एडिशनल फीचर्स जो हैं ये आपको प्रीमियम वर्जन में मिलेंगे। इसका बेसिक क्या मीनिंग होता है इसको हम प्रीमियम वर्जन में आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी ये 3x3 की ग्रिड है जैसा आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं, और इसको स्कैन करने के लिए हमें देना पड़ेगा एक कीवर्ड। अगर हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें नहीं चेक करना, तो हम इसको इस तरह से डिसेबल भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली उतने ही पॉइंट्स पे ही उसको चेक करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3x3 में मैं इसको करना चाहता हूँ और मैंने ये एक डिसेबल कर दिया, और अब मैं डालता हूं अपना कीवर्ड। मैंने दिया कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग और क्लिक किया स्कैन। तो गाइस, एक पोजीशन मैंने डिसेबल कर दी थी और आप देख पा रहे हैं उस पोजीशन को छोड़ करके बाकी पोजीशंस के अंदर इस तरह से पॉइंट्स आ गए हैं। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इस प्रोफाइल को जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ, इसकी पोजीशन 1 है। अगर हम इस पर क्लिक करें तो क्लिक करने पे हमको दिखेगा कि देखिए ये टॉप नंबर 1 पे है, और बाकी के और 19 प्रोफाइल्स भी दिखेंगे, यानी टोटल 20 प्रोफाइल्स आपको दिखेंगे कौन सा किस पोजीशन पे है। अगर इस 2 वाले पे क्लिक करके देखेंगे तो आप देख रहे हैं अब ये सेकंड नंबर पे आ रहा है प्रोफाइल, और दूसरे बाकी सारे प्रोफाइल्स भी उसी तरह से नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे स्कैन्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब जो आपने ये स्कैन किया है, अगर आप इसको आगे भी फ्यूचर में रेफ़र करना चाहते हैं, तो ये सेव हो चुका है स्कैन, फ्री वर्जन में भी सेव हो चुका है, बट उसके लिए आपको अपना प्रोफाइल इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी आप इसको देख पाएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें करना होगा गेट स्टार्टेड पे क्लिक, और हमें कोई बिजनेस इसमें ऐड करना पड़ेगा। जब तक हम बिजनेस ऐड नहीं करेंगे तब तक हम उसको नहीं देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ बिजनेसेस ऐड कर रखे हैं आपको दिखाने के लिए। तो किसी भी बिजनेस से हम एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मेन्यू तक पहुँचना है, जिस मेन्यू से हमें जियो ग्रिड की रिपोर्ट्स दिखेंगी। तो वो आता है गाइस टूल्स में जाकर के जियो ग्रिड चेकर, जैसा आप देख पा रहे हैं। जियो ग्रिड चेकर में जाके आप जब देखेंगे तो अगेन सेम इंटरफेस ओपन होगा। आप यहाँ से भी प्रोफाइल्स चेक कर सकते हैं, जो प्रोफाइल आपने ऐड किया उसको माय बिजनेस कहते हैं, जिसके थ्रू आपने लॉगिन अभी यहाँ पे टूल्स में एक्सेस किया है, जो कि यहाँ ऊपर दिख रहा है। आप उसको माय बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप माय बिजनेस को कर सकते हैं, या ऐड न्यू दूसरा कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये प्रोफाइल हमने बाहर ऐड किया था जब हमने जियो ग्रिड चेकिंग की थी, तो ये भी आप वहाँ देख सकते हैं। और अब रिपोर्ट्स की बारी आती है, तो हम क्लिक करेंगे व्यू रिपोर्ट्स पे, और यहाँ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन से प्रोफाइल की रिपोर्ट। हमने सेलेक्ट करा इस प्रोफाइल का, अभी आप देख रहे हैं हमने इसको देखा था 3x3 की ग्रिड में देखा था। इसका एवरेज रैंक है 1.75, इसका SITT यानी शेयर इन टॉप 3 है 100%, और ये हैं गाइस रिपोर्ट। अगर आप क्लिक करेंगे व्यू स्कैन रिपोर्ट पे, तो आपको वो स्कैन मैप का दिखेगा जो हमें बाहर अभी हमने देखा था, बिल्कुल एज इट इज़। आप इसको कभी भी फ्यूचर में रेफ़र कर सकते हैं।
आप अगर क्लिक करेंगे व्यू कॉम्पिटिटर रिपोर्ट, इसमें काफ़ी एडवांस चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे कि इसके अंदर सारे आपके कॉम्पिटिटर्स नज़र आएंगे और उन कॉम्पिटिटर्स के सिलेक्शन पे आपको नज़र आएगा कि वो किस पोजीशन पे हैं। तो ये देख लीजिए, ये कॉम्पिटिटर्स हैं आपके सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे 34 के करीब दिखा रहा है। और किसी पे भी हम क्लिक करेंगे तो उसकी पोजीशन दिखाएगा उसी ग्रिड पे जिस ग्रिड पे आपकी पोजीशनिंग थी। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर कोई कॉम्पिटिटर आपसे बेटर पोजीशन पे है किसी लोकेशन पे, तो मींस उस पॉइंट पे, उस कीवर्ड पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने ही प्रोफाइल जिसको हमने सर्च किया था उसको देखेंगे तो आप देख रहे हैं सेम चीज़ दिखा रहा है, बाकी हम किसी और को सर्च करेंगे तो आप देख रहे हैं उनकी अलग अलग पोजीशंस विद नंबर दिखा रहा है। इस तरह से ये रेफरेंस के लिए आपके पास हमेशा स्कैन रिपोर्ट सेव्ड रहेगी। और अगर मैं तीन डॉट्स पे क्लिक करूँगा इस, तो इसके अंदर शेड्यूल आप कर सकते हैं ऑटो स्कैन को। ऑटो स्कैन को शेड्यूल करने के लिए जो सेम स्कैन है, जो सेम ग्रिड्स थी, नंबर ऑफ ग्रिड थी, सेम कीवर्ड है, उसी पे आप इसको कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आप डिफाइन कर सकते हैं और ये सेव स्कैन आपको मिलेगा आपके ईमेल पे, राइट। और डाउनलोड पीडीएफ आपको प्रीमियम वर्जन में मिलेगा जो अभी हम देखेंगे। शेयर आप कर सकते हैं इस रिपोर्ट को, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपने क्लाइंट के साथ, वो भी आपको प्रीमियम वर्जन में मिलेगा। डाउनलोड CSV आप कर सकते हैं फ्री वर्जन में भी, जिसमें सारे क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन, इनकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेल में इजीली मिल जाती है। इसके अलावा गाइज, आप स्कैन को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। और जो भी आपने शेड्यूल करे हैं स्कैन्स, वो बाद में आप देखना चाहते हैं, उसमें से कुछ डिसेबल करना चाहते हैं, तो वो आप क्लिक करके शेड्यूल स्कैन्स के थ्रू देख सकते हैं। अभी हमने कोई भी शेड्यूल नहीं किया है इसीलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो ये तो थे इसके सारे फीचर्स। एक बार हम इसको प्रीमियम वर्जन से जा कर के और देख लेंगे कि किस तरीके से इसमें और एडिशनल फीचर्स जो एनेबल होते हैं प्रीमियम वर्जन में, वो क्या क्या हैं। गाइज, इसके अलावा जो आपकी ये जो ग्रिड पॉइंट्स हैं, इनको हम अपने हिसाब से पोजीशन चेंज भी करना कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गाइज, अगर मैं मैप को थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक पॉन्ड आ रहा है। अगर मान लीजिए ये ग्रिड लाइन इसके ऊपर आ रही होती तो इस पर मुझे देखने का कोई भी मतलब नहीं रहता। तो हम इसको अपने हिसाब से मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अगर कहीं रोड पे आ रही है या किसी जंगल के एरिया में आ रहा है कोई पॉइंटर, तो वहाँ देखने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं उस पॉइंट को अपने हिसाब से मैन्युअली ग्रिड को खुद से चेंज कर सकता हूँ। तो ये भी एक एक्सक्लूसिव फीचर हमने इसमें दिया हुआ है। तो प्रीमियम वर्जन से करने के लिए मुझे प्रीमियम वर्जन पर स्विच करना पड़ेगा, तो मैं प्रीमियम वर्जन पर स्विच करता हूँ और फिर हम डिस्कस करते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं एक प्रीमियम प्रोफाइल में, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार आप बिजनेसेस पे जाएंगे तो आप देख रहे हैं ये गोल्डन मार्क का मतलब ये प्रीमियम प्रोफाइल है। और प्रीमियम में जा कर के हम फिर से हम जाएंगे टूल्स पे और हम आएंगे जियो ग्रिड चेकर पे। तो आप देख रहे हैं जियो ग्रिड चेकर हमारा ओपन हो गया प्रीमियम में, और यहाँ हमारे पास हैं 15x15 ग्रिड्स तक, जिसके अंदर कितने क्रेडिट टोकन यूज़ होते हैं। यहाँ पे गाइस टोकन दिखा रहा है, तो ये टोकन्स बेसिकली आपको मिलते हैं जब आप प्रीमियम लेते हैं, तो ठीक ठाक टोकन आपको मिलते हैं। मंथली आप स्कैन्स इससे रन कर सकते हैं और इसमें आप अलग अलग टाइप के ग्रिड्स सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किलोमीटर्स चेंज कर सकते हैं। ये किलोमीटर होता है गाइस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो ये किलोमीटर्स में भी आप ले सकते हैं, आप इसको माइल्स में भी ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कौन सा आप इसके अंदर मेज़रमेंट का ऑप्शन आप लेना चाहते हैं। माइल्स थोड़ा सा बड़ा होता है किलोमीटर्स से। और यहाँ पे आप अगर माय बिज़नेस सेलेक्ट करते हैं तो आपका अपना बिज़नेस स्कैन होगा। आप कोई और बिज़नेस ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे एक दूसरा बिज़नेस ऐड है, नया ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड न्यू पे क्लिक करके आप बिज़नेस को सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने सर्च किया एक दूसरा बिज़नेस, तो गाइस हम कोई भी बिज़नेस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ ग्रिड्स हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना बड़ा ग्रिड्स हमको चाहिए। जैसे हमने पीछे 3x3 किया था, अगर मैं 15x15 करूँगा तो आप देखेंगे इस तरह से डेंस आ जाएगा। आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और जैसा मैंने आपको पीछे बताया था, आप पॉइंट्स को, ग्रिड लाइंस को मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जैसा आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली। अगर वो किसी ऐसी जगह पर आ रहा है जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, अगर हम 7x7 का ग्रिड लेते हैं तो कुछ इस तरह का आता है। इस तरह से अगेन आप ग्रिड चेंज कर सकते हैं और फिर आप अपने कीवर्ड को दे करके इसको स्कैन कर लेंगे और ये रिज़ल्ट आ जाएगा, जैसे कि हम 7x7 के ग्रिड में देखते हैं। तो
गाइस आप देख रहे हैं ये नंबर वन पे आ रहा है, ये सारे जो भी पोजीशंस थी इनके अंदर जिस भी पोजीशन में ये है इंस्टीट्यूट, और आप क्लिक करेंगे किसी एक पे भी तो यहाँ आपको दिखेगा ये सारे इसके कंपटीटर्स दिखेंगे, और ये उस पर्टिकुलर सिटी में जिसमें भी ये है उसी सिटी का ये मैप दिखा रहा है। और सेम जो स्कैन हमने यहाँ पे करा है इस स्कैन की रिपोर्ट्स हम चेक कर सकते हैं, तो आइए हम रिपोर्ट देख लेते हैं। व्यू रिपोर्ट में आएंगे गाइस, तो माय बिज़नेस के केस में जो हमारा बिज़नेस है इसकी रिपोर्ट्स हैं जो कि हमने पीछे करके रखी थी। जो हमने अभी स्कैन किया है वो ये बिज़नेस है जिसकी अभी जस्ट हमने ये 7x7 की ग्रिड की है, और जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया था व्यू स्कैन रिपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे तो अगेन ये स्कैन रिपोर्ट आ गई। राइट गाइस, आप इस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटर्स की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो ये थोड़ी सी एडवांस रहती है, जैसा हम पीछे ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आपके जो ये दूसरे इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को देखेंगे तो अगेन ये वन आ रही है, इसकी रेटिंग हर जगह वन है। यहाँ हम गाइस क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड एज PDF का ऑप्शन इनेबल हो चुका है, शेयर का ऑप्शन भी इनेबल हो चुका है, जो कि इस तरह से एक लिंक आपको मिल जाएगा जिसको आप यहीं से WhatsApp, Facebook और मेल पर भी शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको कॉपी कर सकते हैं। डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे तो गाइस एक PDF आपकी ओपन हो जाएगी नए टैब में जिसको आप सेव कर सकते हैं। इसके अंदर ये सारी एवरेज रेटिंग, SITT, ये सारी चीज़ दिखाएगा, और आप देख रहे हैं सारे पॉइंटर्स और जितने भी ये और बाकी के कंपटीटर्स के प्रोफाइल्स थे उनको ये यहाँ पे दिखा रहा है। इस तरह से ये PDF है। अगेन शेड्यूल ऑटो स्कैन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, शेड्यूल कर सकते हैं आप स्कैन को, और डाउनलोड एज CSV कर सकते हैं क्योंकि एक CSV फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ये भी मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो गाइज़ इस तरह से ये एक्सेल फाइल जनरेट हो जाती है जिसमें पहले वाले पे समरी दिखा रहा है, जिसमें आपका जो प्रोफाइल, जो भी प्रोफाइल हमने स्कैन किया था जिसकी स्कैनिंग थी उसकी समरी दिखाएगा। डिटेल्स में हम जाएंगे तो डिटेल्स में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखाएगा उन सभी प्रोफाइल्स का जो कि कॉम्पिटिटर प्रोफाइल्स थी, और उनकी पोजिशनिंग भी। इसके बाद बिजनेस के अंदर ये और डिटेल फर्दर दिखाएगा उन प्रोफाइल्स के जो आपके कंपटीटर प्रोफाइल्स हैं, इनके एड्रेस आपके लिए दे देगा, कैटेगरीज दे देगा, आपके रेटिंग, रिव्यूज़ और प्लेस ID भी। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको यहाँ से जनरेट करके देता है, जो कि CSV आप इससे जनरेट कर सकते हैं, जो कि फ्री वर्जन में भी जनरेट हो जाता है। और गाइस अगर इन केस आपके टोकन्स फिनिश हो जाते हैं, आप फ्री वर्जन में कर रहे हैं, तो टोकन्स को यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट पे क्लिक करके, बहुत नॉमिनल प्राइसिंग पे ये टोकन्स आप इसके अंदर ऐड करके और इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये था JioGrid चेकर ऑप्शन, जो कि एक एडवांस रिपोर्ट है जिसके ज़रिए आप अलग अलग लोकेशंस पे अपने प्रोफाइल की पोजिशनिंग को देख सकते हैं मैप पे, आपके कंपटीटर से कंपेयर कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और डिफरेंट अपडेट के साथ।